नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, जीवन में अगर हमारी किस्मत अच्छी है और हमारे सितारे बहुत अच्छे हैं तो हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हमारे तारों की चाल और हमारे जीवन में आने वाला जो भविष्य है उसके बारे में हमें हमारे तारे बताते हैं। हम यहाँ मौजूद हैं आपकी काउंसलिंग करने के लिए, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या कुछ सही रास्ता लेना है और क्या कुछ अपनाना है जिससे कि आप अपने जीवन को बहुत सफल बना सकें। हम लेकर आते हैं आपके रोज़मर्रा के तारों का हाल भी, कैसी रहेगी आपके तारों की चाल और क्या कुछ कहती है आपकी किस्मत। साथ ही जानते हैं आपके तारे और सितारों का मिजाज और बात करेंगे आज आपके आने वाले पलों की। कोशिश ये हमारी रहेगी कि जानने की कि क्या कुछ आप करें अपने आने वाले दिन को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। साथ ही आपको बताएंगे आपकी रोज़मर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके ग्रहों की चाल को आपको अनुकूल बनाना है आज के अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए, और उसी के बारे में जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय अम्बे। दोस्तों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कोई गुड लक टिप, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ ही आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, उठाइए अपना फ़ोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे और कैसी है आपके तारों की चाल आज के दिन। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि आज कैसी रहेगी आपके सितारों की चाल, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और आज आपको क्या नहीं करना है। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा पावर मंत्र जो दिलाएगा आपको हर कार्य में सफलता। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपको कोई आज बड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। बिजनेस के लिहाज से भी आज का दिन अच्छा रहेगा। दफ्तर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आपको अनुभव हो सकती है। जोखिम भरे निवेश आज आपको नहीं करने हैं। मौसमी बीमारियों से आज आपको बचना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करके लाल मसूर के कुछ दाने यदि आप अपनी पॉकेट में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, अपनी दराज में रखते हैं, गले में रखते हैं, तो पूरा दिन आपका सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको सुनी सुनाई बातों पर आज आपको विश्वास नहीं करना है। अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा। शाम तक आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखने की आवश्यकता है। करियर के क्षेत्र में आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपके सोचे हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। उलझे हुए काम आज सुलझ सकते हैं। जानते हैं दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में फलों का दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको दूसरों के काम में दखल नहीं करनी है, सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ी नकारात्मकता से भरा हो सकता है, लेकिन आपको सकारात्मकता बनाए रखने की कोशिश आज आपको करनी है। आप बिजनेस में थोड़ी सी सावधानी रखें, सेहत को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी रखें, वाणी के ऊपर आज आपको थोड़ा सा कंट्रोल बनाकर रखने की आवश्यकता है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि साबुत धनिया पर सिंदूर लगाकर पूजा स्थल पर अर्पण करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आप किसी भी बात पर आसानी से विश्वास न करें, उस मामले की बिल्कुल तह तक जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये तो थे छोटे छोटे टिप्स जिन्हें आप अपनाएंगे तो आपका दिन बेहतरीन ही बनेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले एक कॉलर है हमारे साथ, माधुरी जी हैं जयपुर से। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19/8/93 और 11:15 सुबह का समय है। उदयपुर का उनका जन्म है। जी माधुरी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं आप।
पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। मैं अभी बीसीए कर रही हूँ तो अभी मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो कैसा रहेगा रिजल्ट और आगे भी पढ़ाई का कैसा है समय? कैसा रहेगा पंडित जी रिजल्ट? रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपकी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आ सकता है। शनि जो है वह एजुकेशन लाइन के अंदर स्वग्रही होकर बैठा है, तो उच्च शिक्षा को प्राप्त करवाता है, टेक्निकल लाइन में आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं भाग्य स्थान का जो मालिक है बुध, वो कार्य क्षेत्र में बैठा है, लक फैक्टर भी आपका सपोर्ट करेगा। आने वाले समय के अंदर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं भविष्य में, तो निश्चित तौर पर आप सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। एक 3.25 रत्ती का पन्ना आपको हमेशा धारण करके रखना है, क्योंकि आपका जो भाग्यश है वो है बुध। यदि बुध अच्छा रहेगा, भाग्य अच्छा रहेगा, तो ज़िंदगी में सफलताएँ तो आपको मिल ही जाएंगी। निश्चित तौर पर आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, हमारा शुभ आशीर्वाद है आपको। तो माधुरी जी, अब तो पंडित जी का भी आशीर्वाद आपको मिल चुका है और उसके साथ ही उन्होंने आपको जो छोटा सा उपाय बताया उसे ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही आपके अगर जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आगे भी अगर आप पंडित जी ने जो बताया अगर गवर्नमेंट लाइन चूज़ करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो पंडित जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या आपके लिए, कैसे होंगे आपके आने वाले पल और कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए उन्हें बेहतरीन बनाने के लिए? कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको लाभ मिलेगा, रुका हुआ पैसा भी आज आपको मिल सकता है। कार्यस्थल पर आज वातावरण जो है, माहौल जो है वो खुशनुमा बना रहेगा। आज आप खुद को सकारात्मक बनाए रखें, आपके वो काम भी पूरे हो जाएंगे जो आज तक पूरे नहीं हो पा रहे। जानते दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, कंपटीशन से आज आपको बचना है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, निर्भर नहीं रहना है। अगली जो राशि है वह सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज किसी बड़ी समस्या का आप समाधान निकाल सकते हैं। जॉब से संबंधित मामलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, दिन भर थोड़ी भागदौड़ आज ज़्यादा रहेगी। ध्यान रखें जीवन साथी से आज विवाद नहीं करना है, व्यापार में धन लाभ हो सकता है, जोखिम भरे निवेश भी आज आपको नहीं करने हैं। जानते दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प अपनी पॉकेट में रखते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो अतीत के मामलों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है, नुकसान हो सकता है। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा, सारे काम आसानी और शांति से निपटते जाएंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, आय बढ़ाने के प्रयास आज सफल होंगे। ध्यान रखें जो आपके साथी कर्मचारी हैं उनसे आज थोड़ी कहा सुनी आपकी हो सकती, थोड़ा मानसिक तनाव आज आपको बना रह सकता। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज आपको दिखावे और आडंबर में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है। दोस्तों ये तो आपके तारों के इशारे हैं, साथ ही हमने आपको बताए हैं कुछ आसान से टिप, देखिए और अमल कीजिए और फिर देखिए आपका दिन कितना खुशनुमा होगा। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर है हमारे साथ, जयपुर से मोहित जुड़ चुके हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/5/84 और सुबह 4:15 उनका जन्म समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़ राजस्थानी। जी मोहित जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आप बताएं क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद गुरु जी। मैं मोहित बोल रहा था। मैं गुरु जी काफी परेशान चल रहा था, वो क्या है कि दरअसल न तो मेरा वैवाहिक संबंध वगैरह कहीं बैठ पा रहा है और न ही मेरे को मन माफिक नौकरी और आर्थिक उन्नति भी नहीं हो पा रही है, क्या करूँ? देखिए बेटा मोहित, आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, भगवान बृहस्पति जो गुरु हैं वो स्वग्रही होकर कार्य क्षेत्र में नौकरी के क्षेत्र में बैठे हैं, बहुत उच्च पद को आप प्राप्त कर सकते हैं। धन भवन में भगवान सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं, अथाह संपत्ति, धन संपत्ति आपके पास रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, अभी आप एक बहुत ही नेगेटिव टाइम, नकारात्मक समय से चल रहे हैं। सूर्य की महादशा और शनि का अंतर, सूर्य शनि का जो समय होता है वो बहुत ही खराब समय माना जाता है। यह समय खत्म हो रहा है आपका सितंबर 2014 में, उसके बाद में सूर्य की महादशा बुध का अंतर आएगा, तो सूर्य में जो बुध का अंतर होगा वो आपकी तरक्की का समय होगा, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और दूसरी जो विशेष बात है, अष्टम भाव में शनि और मंगल की युक्ति,
शनि मंगल यदि एक साथ हो जाते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनके हर क्षेत्र में, चाहे उनका आर्थिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, मानसिक हो, वैवाहिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये करना है, किसी शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन जो भी आपके पास में योग्य आचार्य हों उनसे आप संपर्क करें और शनि मंगल की आप शांति करवा लें। निश्चित तौर पे इस शांति के बाद में आपका जो भविष्य है वो आपको बहुत उज्ज्वल दिखेगा। 1.75 रत्ती का पुखराज रत्न आपको अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है फिंगर, उसके अंदर सोने में धारण करके रखना है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी है, नियमित रूप से गौ सेवा करनी है। सितंबर के बाद का जो समय है वो आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है, तो आप अपना धैर्य बनाए रखें और कोशिश जारी रखें। तो मोहित जी, पंडित जी ने आपको गाइड कर दिया है और साथ ही आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर आजमाइएगा अपने उज्जवल भविष्य के लिए। और साथ ही आपको समय भी बताया कि सितंबर के बाद बहुत अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। पंडित जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, दीपिका है, चूरू से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 3/8/84 और दिन के 1 बजे का उनका जन्म है, चूरू उनका जन्म स्थान है। जी दीपिका जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आप बताएँ क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। जी पंडित जी मुझे, हेलो जी, जी बेटा। जी पंडित जी मुझे ये जानना था कि मेरी पहली शादी हुई थी जो सक्सेस नहीं हुई, 5 साल चली, और अभी दूसरी शादी हुई तो वो भी कुछ सक्सेस नहीं चल रही है। जी पंडित जी, बेटा दीपिका जी, आपकी जन्म कुंडली में अभी हमने एक प्रश्न का पहले भी जवाब दिया है। आपके जन्म कुंडली में शनि, मंगल और चंद्र तीनों एक साथ एक घर में बैठे हैं। शनि मंगल की जो युक्ति होती है, अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन असफल रहता है। साथ में शनि के साथ में जब चंद्रमा जुड़ जाता है तो विष योग बन जाता है। तो यदि आप अपनी जिंदगी में वैवाहिक सुख चाहती हैं, आप हर क्षेत्र में सफलता चाहती हैं, तो सबसे पहला काम तुरंत प्रभाव से किसी योग्य आचार्य से संपर्क करिए और शनि मंगल की आपको शांति करवानी, ग्रह शांति जिसको हम बोलते हैं, खेजड़ी का पेड़ जो होता है उसके दंड के साथ में, उसकी लकड़ी के साथ में शनि मंगल की पूजा होती है, हवन होता है, जाप होता है, और ये आप करवाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपके शनि मंगल का जो दुष्प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है, उस दुष्प्रभाव का जो असर है, एक तो आप 100% भुगतो, एक आप 5% भुगतो, इतना आपको फर्क देखने को मिलेगा पूजा के बाद में। तो सबसे पहला काम तो ये पूजा करवाएं। नियमित रूप से पास में यदि गौशाला हो तो वहाँ पे जाएं और गाय की कम से कम 108 परिक्रमा करें, वैवाहिक सुख की प्रार्थना करते हुए, और गाय को गुड़ खिलाएं। ये उपाय आप कम से कम 40 दिन तक करिए, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो खुशियों से भरपूर रहेगा। तो दीपिका जी, आपने जाना कि आपके आने वाली जो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके लिए आप क्या कुछ उसे कर सकते हैं सफल बनाने के लिए, ये छोटे से उपाय बताएं पंडित जी ने, इन्हें ज़रूर आप लाइएगा, आजमाइएगा। पंडित जी आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया आज का दिन बाकी सभी राशियों के लेके, और साथ ही पावर मंत्र भी जो दिलाएगा आपको हर कार्य में सफलता। तो कहीं मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक से जाने से पहले हमने आपको बताया था कि कैसे आपको अपने दिन को अच्छा बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी राशियों के बारे में, और शुरुआत करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु आपसे। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, धन लाभ के आज योग बनेंगे, भाग्य आज आपका साथ देगा, मानसिक परेशानियां खत्म होने लगेंगी, निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, रुका हुआ पैसा भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। जानते हैं दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि आप पक्षियों के लिए पीने की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको जीवन साथी से विवाद से बचना है और अपनी वाणी पर आज आपको काबू बनाकर रखना है। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आज आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपको अपने काम, अपनी सेहत पर और अपनी रोजमर्रा की चीज़ों पर ईमानदारी से ध्यान देने की ज़रूरत है।
प्रोफेशनल लाइफ आज आपकी अच्छी रहेगी। खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य आज बीमार हो सकता है। जानते दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि आप बंदरों को केले खिलाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी आज आपको मुश्किल में डाल सकती है। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, समस्याओं का समाधान आज आपको मिल सकता है, धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। दफ्तर में कार्य क्षेत्र में आज थोड़ी सी परेशानी का आपको अनुभव हो सकता है, लेकिन शाम तक सब अपने आप ठीक हो जाएगा। गर्मी में अचानक आज आपको ठंडी चीजें नहीं खानी है, अन्यथा दांतों में आज आपके तकलीफ हो सकती है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज दूसरों के साथ संबंधों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रहना है, कोई भी बात आपको गोलमाल नहीं करनी है। तो दोस्तों संयम बरतें और सतर्क रहें और फिर देखें, और साथ ही हमने आपको टिप्स भी दे दिए हैं कि क्या कुछ करना है आपको आज के दिन को यादगार और बेहतरीन बनाने के लिए। तो पंडित जी आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर है हमारे साथ, सपना है बीकानेर से, उनकी जो जन्म तारीख है वो है 24/10/93 और सुबह 10 बजे का समय है और बीकानेर ही उनका जन्म स्थान है। जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। जी सपना जी स्वागत है आपका, आप बताएं क्या सवाल है आपका और आप पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं। हेलो गुरु जी नमस्ते, शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, साथ ही जानना चाहती हूँ कि मैं मांगलिक हूँ या नहीं। जी बिल्कुल पंडित जी जानना चाहते हैं शादी के बारे में, साथ ही कहीं मांगलिक योग है कि नहीं है। बेटा सबसे पहली चीज तो ये है कि आप मांगलिक हैं, मंगल आपके द्वादश भाव के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आपकी जो जन्म कुंडली है वो मांगलिक है। राहु की मादशा चल रही है आपको और उसमें भी चंद्रमा का अंतर ग्रहण योग हम इसको बोलते हैं, ये ग्रहण योग खत्म होगा मई 2015 में, तो मई 2015 के पश्चात में ही आपका विवाह का योग बनता, उससे पहले नहीं बनता है। 9 में से 3 ग्रह राहु आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, केतु आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। कोई ग्रह नीच के होते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, थोड़े से नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। तो राहु नीच का हो के आपके लग्न में बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपके जो विचार है उसमें स्थिरता लाने की ज़रूरत है। गुस्से को अपना, जो आपका गुस्सा है उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका गुस्सा आपको ज़िंदगी में अपमान अपयश दिला सकता है। तो थोड़ा सा अपने व्यवहार के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। एक तांबे की अंगूठी बनवा ले, छल्ला बनवा ले और अनामिका उंगली में सूर्य रविवार के दिन आपको उसको धारण करना, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करनी। पास में कहीं भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे जाके रविवार को आपको दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ानी है और साथ साथ में नियमित रूप से आपको गौ सेवा करनी है। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति आपको अवश्य करवानी है। तुलसी जी के पौधे में नियमित रूप से आपको जल चढ़ाना है, घी का दीपक लगाना है, तो आने वाला जो आपका भविष्य है, वैवाहिक भविष्य है, वो भी उज्ज्वल रहेगा। तो सपना जी गुस्सा जो है उसे निकाल फेंकिए अपनी लाइफ से, क्योंकि वो वैसे भी किसी काम का नहीं होता। और साथ ही पंडित जी ने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, उनको ज़रूर आजमा लीजिए और फिर देखिएगा कि आप कितनी सफलताओं कुछ होते हैं। तो पंडित जी ये तो थे कॉलर और आपसे हमने जाना उनके भविष्य के बारे में, बात करेंगे आगे पावर मंत्रा की भी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या कुछ खास है आज मकर कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा, काम में आज आप व्यस्त रहेंगे, आय में वृद्धि होगी, व्यापार के सिलसिले में आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती, दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आज आपका दिन थोड़ा सरल कर सकता है, मानसिक तनाव से आज आपको बचना है। जानते दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए जीरे के कुछ दाने अपनी पॉकेट में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जो दिन है सफलताओं से भरा रहेगा। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो अपने साथियों के साथ आज आपको टकराव से बचना है। किसी विषय पर यदि विचार नहीं भी मिल रहे हैं तो आज आपको मौन रहने में ही फायदा मिलेगा। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आज आपको घर में, दफ्तर में थोड़ी भागदौड़ का सामना करना पड़ सकता है, खर्च और असंतोष जैसी हकीकतों का सामना करना पड़ सकता है।
लाभ के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं और बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज थोड़ा सा सावधानी बरतने का दिन है। जानते दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे आदमी को भोजन करवाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज जीवन साथी को परेशान न करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी भी मामले में आज आपको ज़्यादा जिद नहीं करनी है। अंतिम जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा रहेगा, पुराना क्लेश आज खत्म होगा, पैसों की स्थिति में सुधार होगा, आज कोई नया काम शुरू हो सकता है, कार्य सिद्ध होंगे, व्यवसाय व्यापार में लाभ मिलेगा, नौकरी में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, पेट संबंधित रोगों से बचना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें, तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में गर्मी के फलों का दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज आपको अपना समय, अपना स्वास्थ्य और अपना धन कहीं भी उस स्थान पर दाव पर नहीं लगाना है जिसके बारे में आपको पूरा विश्वास न हो। तो दोस्तों, क्रोध आवेश को अपने से दूर रखें और साथ ही जो ये छोटे से टिप्स हैं, उपाय हैं, आज के दिन के लिए अपने लाइफ में लाएं और फिर देखें कि आपका दिन कितना सफल बनता है। पंडित जी, आगे बढ़ेंगे। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ अभी, विजय लक्ष्मी हैं बूंदी से, वो अपनी बेटी श्वेता के बारे में जानना चाहती हैं। उनका जन्म तारीख है 9/1/85 और 2/40 सुबह का उनका जन्म है, कानपुर का उनका जन्म है। जी विजयलक्ष्मी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आप बताएं आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं। जी विजयलक्ष्मी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताएं आपका क्या सवाल है। हाँ, ये हमारी लड़की की सर्विस कब तक लगेगी जी, और उसको क्या बहुत परेशानी है जी। जी पंडित जी, सर्विस और साथ ही कह रहे हैं कि बहुत परेशानियां हैं उनके जीवन में। विजय लक्ष्मी जी, आपकी बच्ची की जो जन्म कुंडली है वैसे बहुत अच्छी है, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही होके वो दशम भाव में नौकरी के घर के अंदर बैठा है। यदि आपकी जो बिटिया है सरकारी नौकरी के लिए यदि वे प्रयास करती है तो इस साल सितंबर 2014 के पश्चात का जो समय है उसकी नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती है, उच्च पद को वो प्राप्त कर सकती है। तो उसको बोलिए कि एक तो कंपटीशन की तैयारी करे, बैंकिंग सेक्टर हुआ, शिक्षा के क्षेत्र हुए, इसमें निश्चित तौर पे आपकी बच्ची जो है वो उच्च पद को प्राप्त कर सकती है। देवगुरु स्वयं सूर्य के साथ में पराक्रम में बैठे हैं तो सेल्फ मेड रहेगी आपकी बच्ची, अपने बलबूते के ऊपर उसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल रहेगा और अपने कदम पे, अपने दम पे वो बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। उसको एक तो आपको क्या करना है, एक 3.25 रत्ती का पन्ना, पन्ना किसको बोलते हैं, जो ग्रीन रंग का जो पत्थर होता है एमरेल्ड, उसको सबसे छोटी उंगली के अंदर सोने के अंदर धारण करवाइए और उसको ये बोलिए कि नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें, गाय को रोटी अवश्य खिलाए और आपकी जो भी परेशानियां हैं उस परेशानियों से दूर करने का एक बहुत सरल उपाय, एक सुबह सुबह एक मोटी रोटी बनाइए, उसके ऊपर घी लगा दीजिए, उस रोटी के 4 टुकड़े करें, थोड़ा सा उस पर गुड़ शक्कर डाल दें, एक टुकड़ा कौवे को, एक टुकड़ा गाय को, एक टुकड़ा कुत्ते को और एक टुकड़ा मांगने वाले को, तो 4 टुकड़े करके यदि आप इस प्रकार लगातार 43 दिन तक आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो विजय लक्ष्मी जी, आपने जाना, घर में सुख समृद्धि शांति के लिए जो उपाय बताया ये जरूर आजमाएगा और फिर देखिए आपकी बेटी की ऑलरेडी जिंदगी में बहुत सफलताएं रहेंगी। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या आज स्पेशल है हमारे पावर मंत्रा में और क्यों वो पावर मंत्रा खास है। जी देखिए, यदि आपको आपके हर कार्य में सफलता चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में हर कदम पे सफलता प्राप्त हो, आपका दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाए, आपकी जो समस्याएं हैं चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिले, तो मैं आपको आज एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिसके जाप करने से निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। यह जो मंत्र है वो है भगवान विष्णु का जो मंत्र है। आज के इस कलयुग में हम भगवान विष्णु का नाम लेना तो भूल ही गए हैं लगभग। ये ध्यान रखें, यदि आप भगवान विष्णु का नाम अगर नहीं लेंगे, उनका जाप नहीं करेंगे, उनको आप याद नहीं करेंगे, उनकी आप भक्ति नहीं करेंगे, तो माँ लक्ष्मी आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करती। माँ लक्ष्मी को तो सब पूज लेते हैं लेकिन भगवान विष्णु को कोई पूजना ही नहीं जानता, उनके मन में ही नहीं आता है कि भगवान नारायण को तो पूजें। यदि आप माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद चाहते हैं, जिंदगी में सफलता चाहते हैं, तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है।
तो आप लिख लीजिए इस मंत्र को, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पुनः एक बार इसको उच्चारण सुन लीजिए, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चौमासा शुरू होने वाला है, यदि आप 4 महीने तक इस मंत्र का लगातार आप जाप करते हैं तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, वैवाहिक सुख यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिंदगी के हर कदम पे आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो 4 महीने तक आप इस मंत्र का 108 बार यदि आप जाप करेंगे, भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, तो भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों, ये तो आपने जाना आज का पावर मंत्र, और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप भी कुछ जानना चाहते हैं और कोई गुड लक टिप हमसे चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आई डी है firstindiagoodlucktips@firstindia.com। तो दोस्तों, कल आपसे होगी फिर से मुलाकात, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत, खुश रहिए और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।